अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक और खूबसूरत टापरी का कलेक्शन मैं आपको इनके ओनर से भी मिलवाऊंगा, इनकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा और इनको थोड़ा सा चलवा के भी दिखाऊंगा। अब मैं इनके ओनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बकरियाँ हमें चला के दिखाएँ और इनकी खूबसूरती, इनकी खसूसियात भी मैं आपको अभी इनके ओनर से ही पूछ के बताता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म का शौक है। ये भी सुबह सिंह की नस्ल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म का ये हर्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इनके ओनर से भी पूछते हैं और इनकी सारी डिटेल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, थोड़ा यहाँ आ जाए। अच्छा, ये कौन सी नस्ल की बकरियाँ हैं और इनमें क्या क्या खासियत होती है? टापरी हैं, टापरी नस्ल है। अच्छा, ये खास कोई टापरी है या नॉर्मल टापरी है? नहीं, खास है, खास टापरी है। अच्छा, इसमें कितना वजन होता है और इसमें जो शौक किस तरह देखा जाता है, थोड़ा सा बताएं। वजन तो इसमें जैसे 12 किलो होगा। 12 किलो होगा? अच्छा, बता रहे हैं 12 किलो तक इसका वजन होता है। अच्छा, ये दूध कितना देती है? दूध आधा किलो देती है। अच्छा, देती है। अच्छा, बता रहे हैं आधा किलो से लेके 1 किलो तक ये दूध देती है। अच्छा, ये जो नस्ल है ये कौन से सूबे की है? ये इधर की, सिंध की। सिंध की नस्ल है। अच्छा माशाल्लाह, और ये बच्चे कितने देती है बकरी? दो। दो बच्चे देती है? एक भी देती है, दो भी देती है। एक भी देती है? अच्छा, बता रहे हैं एक बच्चे भी देती है, दो भी देती है। अच्छा, मैं आपको इनकी जो ब्यूटी है वो दिखाता हूँ। ये अबलक प्रिंट के अंदर हैं, ये टापरी जो अबलक प्रिंट के अंदर हैं, ब्लैक और वाइट प्रिंट आप देख सकते हैं। बहुत ही रेयर किस्म का ये प्रिंट है और इन्होंने कलेक्शन जो की है बहुत नायाब कलेक्शन हाथ किए। अच्छा, आपका किसी के साथ मुकाबला है या आप ऐसे ही शौक में लेके आए? किसी के पास नहीं है ऐसी बकरी। ऐसी बकरियां किसी के पास नहीं है। आपको कितना टाइम लगा ये बकरियां तैयार करने में? 20 साल लगाए। 20 साल लगा है? अच्छा अच्छा व्यूज जी, आप देख सकते हैं 20 साल इन्होंने लगाया है ये ब्रीड तैयार करने में। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ब्रीड तैयार की है। और अच्छा, इधर आए, इसमें जो आपके पास सबसे अच्छी बकरी है वो हमें निकाल के दिखाएं। आपके हिसाब से सबसे अच्छी बकरी जो है वो निकाल के दिखाएं। अब माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, आपने ये दो बकरियां निकाली, इन निकालने की वजह क्या? बाकी बकरियां भी थी, इनमें क्या ऐसी खासियत है जो ये सबसे अच्छी है? बिल्कुल खूबसूरती है दो। अच्छा, इसमें खूबसूरती किस तरह देखते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या होना चाहिए, सींग कान वान रंग कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा बताएं। सब कुछ सही है, ये सुठी की है, माना थोड़ा बुधायो नक बक या सिंग छा वो बुधाए ना, सब सही है। अच्छा अच्छा, ये बता रहे हैं कि इनकी जो पॉइंट्स हैं ये तकरीबन पूरे हैं और ये अब इनके पॉइंट्स भी पूछते हैं। अच्छा, आप इसमें हमें बताएं कि ये रंग कैसे होना चाहिए, जैसे आपने जो रंग बनाया है इस तरह का रंग कैसे होना चाहिए जो आप समझेंगे कि वो अच्छी होगी? देखता हूँ सिंध में इधर मिलेंगे लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा, आपने 20 साल लगाए नस्ल तैयार करने में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस नस्ल में इसकी जो मार्केट है वो कितनी है इन बकरियों की? 40 से 50 तक है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूज, आप देख सकते हैं 40 से 50 तक बता रहे हैं इनकी मार्केट है और बहुत ही खूबसूरत किस्म की ये टापरी नस्ल है। और अच्छा, इनमें बीमारियां वगैरह आती हैं या नहीं? ये कहे की बीमारी है, बीमारी समझ वाले नहीं लगेगी, बाकी जो जिसको नहीं है पता उनसे बीमारी लगेगी। अच्छा, यानी आप है। अच्छा, आप जो इनका इलाज करते हैं देसी इलाज करते हैं? हाँ, इधर की। अच्छा, ये बता रहे हैं कि देसी इलाज करते हैं तो इनमें बीमारियां नहीं आती और ये बीमारियों से लड़ने की ताकत है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा फिर से चला के दिखा दें ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें ये खूबसूरत नस्ल सिंह की। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये भी तिलाशाह कंपटीशन में है और ये सिर्फ एक ही हर्ड आया है इस तरह का। ये बता रहे हैं कि इस तरह का हर्ड किसी के पास नहीं है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टापरी हर्ड भी पसंद आया होगा। नारिजो गुड फार्म YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें हमारी वीडियोस ताकि मजीद गोट बीट्स की इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज इंटरव्यूज आपके साथ शेयर करते रहें। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।